अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं शाही रोल, जिसके लिए मैंने 1.25 किलो चिकन लियो। ये चिकन धोकर इसके पीसेस बना के अच्छे से रख दी, सुखा के एकदम पानी इसका ना निकाल देना है, बिल्कुल पानी नहीं रखना है। काफी टाइम से धो के मैंने इसको छन्नी में रख दी थी, थोड़ा बहुत जो भी पानी था वो सब नितर चुका है इसमें से। और इसके अंदर डालना है ये 3 मिर्ची, कोथमीर अच्छे से डाल देने का, इसमें 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच अदरक लहसुन, 4 चाट मसाला, 1 चम्मच थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, स्वाद अनुसार इसमें डालना है नमक, ये 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। फ्लेवर के लिए इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी। अब इसको मिक्सर में डाल के पीसना है, इसको एकदम बारीक करना, अच्छे तरीके से बारीक करना है। इसमें ज्यादा गांठ वगैरह नहीं रहना चाहिए, पूरा खीमा जो बन जाना चाहिए एकदम बारीक खीमा। ये मैंने पीस के इसको मिक्सर में इस तरीके से कर दिए, देखो एकदम बारीक हो गया इस तरीके से इसको पीसने का। अब इसको हमको है ना शाही रोल की बनाने के लिए शुरुआत करना है। ये प्लास्टिक शीट लेना है, इसको इस तरीके से रखना है, फिर अभी तेल लगाना है। ये तेल इसको अच्छे तरीके से लगा देने का, ये इस तरीके से बॉल बनाने का, जो मेरे हाथ में भी तेल लगा हुआ था अच्छे तरीके से, और इसके ऊपर इसको रखना है तेल लगे हुए हाथ से, इसको अच्छे तरीके से पूरा आधा करने के बाद। अब इसको इस तरीके से खोल लेना है, ये इसके ऊपर इस तरीके से स्लाइस वाली चीज रखना है, हाँ ऐसा रोल करना है। हाँ से दब गया, अब इसको इस तरीके से निकाल देंगे। इसको जरा यहाँ से तेल का हाथ लगा के इसको बंद कर दिए, इसको भी बंद कर देना है। ये देखो रोल अच्छे से तैयार हो गए, शाही रोल हो चुके हैं तैयार। इसको पूरे से रोल बनाकर मैंने रख दी हूँ। 2 अंडे इसको फोड़ कर प्याली में रखी हूँ। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक, ये भी ज़्यादा है, थोड़ा सा डालूँ बस। हाँ और मैं डालूंगी अब इसमें थोड़ी सी काली मिरी, बस। फ्लेम चालू हो गई है, अब इसमें मैं डालूंगी तेल, रोल को डीप फ्राई करना है। अब मैं इसको अंडे में अच्छे तरीके से डीप करूंगी, इस तरफ भी लेना है, इस तरफ भी लेना है, और इसको अच्छे से अच्छे से बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तैयार हो गया बिस्मिल्लाह।